सिंगरौली जिले में 17 नवंबर को कोविड से बचाव के लिए टीकाकरण महाअभियान जिले के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 360 केंद्रों में सुबह से ही कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। सिंगरौली जिले के कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने जिले में स्थापित कंपनियों के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संस्थाओं साथ ही सभी धर्म संप्रदायों के धर्म गुरुओं से अपील की है, सभी लोग इस अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि सभी लोग इस महाअभियान में शामिल हों। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सिर्फ टीका ही कारगर है, सभी लोग जिनको पहली डोज लग चुकी है दूसरी डोज टीकाकरण केंद्रों में पहुंचकर लगवाएं व इस महाअभियान के कार्यक्रम को सफल बनाएं। मध्य प्रदेश सिंगरौली से आरके शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 17 नवंबर 2021 को पूरे प्रदेश में एक साथ कोविड टीकाकरण का महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सिंगरौली जिले में भी लगभग 360 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस महाअभियान के दिन मेरे यहाँ की समस्त रहवासियों से अपील है कि ऐसे रहवासी जिन्होंने अपने टीके का प्रथम डोज या द्वितीय डोज नहीं लगवाया है वो अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित होकर अपना टीके का डोज अवश्य लगवाएं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए मेरी यहाँ की समस्त स्वयंसेवी संगठनों से, यहाँ के राजनीतिक संगठनों से, यहाँ के समस्त जनप्रतिनिधियों से, ऐसे कंपनियों के समस्त प्रतिनिधियों से अपील है कि वो अपने संपर्क में आने वाले समस्त व्यक्तियों को प्रेरित करें कि वो टीकाकरण केंद्र पर उपस्थित होकर अपनी जीवन की सुरक्षा का डोज अवश्य लगवाएं। धन्यवाद।